इसराइल अपना बचाव करने के लिए हर चुनौती को झेलने की तैयारी कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूतियों और ईरान के एक साथ हमलों के लिए इसराइल तैयार है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश ईरान और उसके समर्थन करने वाले उग्रवादी संगठनों के साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। इसराइल हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा, चाहे हमला किसी भी ओर से किया गया हो। इसके अलावा रूस और ईरान के बीच दोस्ती की शुरुआत ड्रोन सप्लाई से हुई थी, लेकिन बाद में पुतिन ने ईरान के भरोसे एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत कर दी थी। अब वक्त उसे अंजाम तक पहुंचाने का है। माना जा रहा है कि ईरान और इसराइल युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रूस ने इस युद्ध में ईरान को जीत दिलाने के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा भेज सकता है। हूती और हिजबुल्ला तक की मदद की खेप पहुंचाई जा सकती है। रूस के अलावा चीन भी इस युद्ध में बड़े मददगार की भूमिका निभा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस इसराइल पर संभावित हमले के लिए ईरान को उन्नत हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करवा सकता है। यह खबर ना चौंका देने वाली है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत भी देती है। जिन हथियारों के डर से अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हथियार देने से कतराते हैं, उन्हीं हथियारों से अरब विनाश की डरावनी कहानी की शुरुआत हो सकती है। ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसराइल पर हमला करने के दौरान 6 देशों के गठबंधन का सामना करना है। इसराइल के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जॉर्डन भी ईरान के हमलों को रोकने के लिए तैयार रहेगा। ईरान इस तैयारी में जुटा है कि वे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करें जो इन देशों के डिफेंस सिस्टम को भेद सके। रूस की किंजल मिसाइल, जिसे रोकना पोर्टियम सिस्टम के लिए भी मुश्किल है, ईरान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। रूस का ईरान को किंजल मिसाइल और एयर डिफेंस देने से न केवल मध्य पूर्व में बल्कि वैश्विक राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रूस और ईरान के बीच संबंध कोई नए नहीं है। ईरान ने रूस को यूक्रेन पर हमले में शहीद 136 ड्रोन देकर मदद की थी। अब बदले में रूस ईरान को इसराइल पर हमला करने के लिए सहायता प्रदान कर सकता है। इस सहयोग में किंजल मिसाइल के साथ साथ उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हो सकता है। पिछले दिनों एक बड़े रूसी कागरू विमान के ईरान में उतरने की खबर भी है। इसके अलावा रूस ने UNSC में भी ईरान का समर्थन किया है। इस बार रूस भी हमले वाले दिन ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।